गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप जानते हैं ना कि आजकल हमारे स्कूल बंद हैं और आप सबका मन करता है कि आप पढ़ाई करें, किसी भी तरह से आपकी पढ़ाई ख़राब ना हो। तो इसके लिए आपके लिए हमारे जो विभाग है उसने एक ई पाठशाला का काम शुरू किया हुआ है। ये है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला। इसमें आपको अपने घर पे ही रह के ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जिससे कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, उन माध्यमों से आपको पढ़ाई करनी है। इसमें सबसे पहले कौन सा तरीका है? सबसे पहला तरीका है इसमें कि आप सबके घर में टीवी है, तो उस टीवी पर दूरदर्शन उत्तर प्रदेश ये वाला चैनल आपको अपने टीवी में चलाना है। ये दिखाई दे रहा है ना आपको? इस चैनल पर सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक बच्चों की पढ़ाई के प्रोग्राम्स आते हैं। आप उन्हें देखेंगे तो बहुत कुछ नया सीखेंगे। अगर आपके पास टीवी नहीं है आपके घर में, लेकिन एक मोबाइल फ़ोन है, बड़ा या छोटा कोई सा भी, तो उस मोबाइल फ़ोन पे आपको क्या करना है? उस फ़ोन पर आपको ये नंबर डायल करना है, दिस वन, राइट? यहाँ पर है ना ये नंबर। ये नंबर आप जब डायल करेंगे अपने फ़ोन में, तो उधर से आपको वो एक कहानी सुनाएंगे, अच्छी और इंटरेस्टिंग, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ओके, इसके बाद में आपके पास में अगर एक एंड्रॉयड फ़ोन है, एक बड़ा फ़ोन है टच कीपैड वाला, तो उससे आपको क्या करना है? आपके स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी मैम ने बनाया हुआ है, सर ने बनाया हुआ है, उस पर आपको रोज़ाना वो बहुत सारा मटेरियल सेंड करते हैं, वर्कशीट सेंड करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं, वो आपको देखनी है और अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है? इसके अलावा आप और कैसे पढ़ें? आपके फ़ोन में एक आपको रीड अलोंग ऐप, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद में आपको आपके जो ब्लॉक है उसका एक पार्टनर कोड है, जैसे हमारे हापुड़ ब्लॉक का पार्टनर कोड ये है, तो उसमें ऐप डाउनलोड करने के बाद वो ऐप आपसे पूछेगा पार्टनर कोड के लिए, तो आप ये वाला नंबर वहाँ पर डाल देंगे, तो आप रजिस्टर हो जाएंगे हापुड़ ब्लॉक के साथ में, और आपको इसमें इसके साथ में पढ़ना सीखना है। ओके, इसके बाद में एक और ऐप है दीक्षा ऐप। इसमें आपका आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके क्लास के हिसाब से पूरा कंटेंट अवेलेबल है, वो आपको देखना है। आपकी बुक में जो QR कोड बने हुए हैं उनको स्कैन करना है और उस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं आसानी से, राइट? इसके बाद में नेक्स्ट है आकाशवाणी। अगर आपके पास में एक घर में रेडियो है, तो उस रेडियो को आपको यूज़ करना है। उसमें हर रोज़ सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक इस फ्रीक्वेंसी पे, ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है ना MW747KWZ, इस पर आप अपने जब लगाएंगे अपने रेडियो को, तो यहाँ पर आपको आपकी पढ़ाई की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो देखा बच्चों, है ना कितनी अच्छी बात? आप घर पे रहकर भी कितना कुछ सीख सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि अब किसी भी तरह से आपको जो है वो रुकना नहीं है और अपने काम को लगातार करते जाना है। ओके, तो ये आज के लिए।